अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक। तुम्हें पता है मैं अमूमन पटवारी प्रोग्राम करना, लेकिन आज एक माड़े को एक मेहमान इस तरह आया, बड़ा मॉडर्न किस्म का मेहमान आया, पढ़े लिखा मेहमान आया। तो आज मैं कोशिश करसा कि अंग्रेजी, अच्छा अंग्रेजी तुसें नहीं समझ, चलो उर्दू च करसा है, तो उर्दू प्रोग्राम करसा। और माड़ा जड़ा आज ना खास गेस्ट है, उसका नाम है अरीशा। अरीशा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? अच्छा अरीशा को देख के मुझे लगता है कि एक मैंने इंडियन फिल्म देखी थी बजरंगी भाईजान, उसमें एक जो मासूम सी बच्ची होती है जिसने किरदार किया था, तो मुझे ये बच्ची वैसे ही लगती है, लेकिन ये वो है नहीं है। तो अरीशा आप माशाल्लाह 7th क्लास में हैं, आगे आपका क्या इरादा, क्या आप क्या करने जा रही हैं? मैं आगे आर्मी में जाऊंगी, आर्मी की फील्ड में, उसमें आगे देखेंगे कि अब डॉक्टर बनना है या ऐसे प्राइवेट कोई भी, मतलब आर्मी की फील्ड। अब ये पता नहीं है, या कोई जीडी पायलट पढ़ना है या पायलट बनना है। अच्छा, मतलब फोर्सेस में आपने जाना है, लेकिन अभी आपने ये तय नहीं किया कि आपने पायलट बनना है, आपने एक फाइटर सोल्जर बनना है या एज ए डॉक्टर जाना है। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी जो मदर हैं, आपकी जो मम्मी हैं, वो ब्यूटिशियन हैं, आपके फादर जो हैं वो टूरिज़म का काम करते हैं, आपने ये क्यों सोचा कि आपने आर्मी में जाना है? क्योंकि जो मेरी छोटी बहन है वो मामा के साथ मतलब चलेगी आगे आइस ब्यूटीशियन की फील्ड में, वो मतलब ये काम। हाँ अच्छा। तो मैं कुछ अलग और अलग करना चाह रही हूँ। अच्छा, तो इस वजह से अब मैं आर्मी की फील्ड में जाऊँगी। तो अच्छा, स्पोर्ट्स से भी कोई शौक है आपका? स्पोर्ट्स नहीं, खेल खेल से नहीं है। नहीं यार, जो आर्मी में जाना चाहता है वो तो बड़ा एथलेटिक टाइप होता है बंदा, उसको भागने रेसिंग वगैरह होगी, ये तो यही स्पोर्ट्स होती है ना, यही स्पोर्ट्स होती है। और ऐसे कोई गेम्स, बैडमिंटन। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आपने अपनी इतनी छोटी उम्र में एक बहुत ही पॉपुलर किस्म के एंकर के साथ आप प्रोग्राम करेंगी, नासर राजा के साथ? नहीं नहीं सोचा था ना, तो आपको मुबारक हो। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल के जो बच्चे हैं, उन्होंने, आपने भी माशाल्लाह 2 फ़ोन उठाए हुए हैं, उन्होंने भी फ़ोन उठाए हुए होते हैं, हर वक्त टिक 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 करते हैं, इस पर क्या करते रहते हैं वो? ये गेम्स। अच्छा, और क्या, और टिकटॉक हो गए। अच्छा, तो इससे आपके जो जहन है, आपकी जो आँखें हैं, आपके जो बैक मसल्स हैं, ये थकते नहीं हैं? आप ऐसा करेंगे, लेट के देख लें। अल्लाह की बंदी के, लेट के तो आंखें तो बंद नहीं करेंगी ना, लेट के भी आंखें तो खुली होंगी ना। कि कोई नहीं, जिसको आदत हो जाए, जो जिसको आदत हो जाए। मतलब अच्छा, आप ये बताएं कि आपके ख्याल में ये अच्छा काम है, करना चाहिए या इसमें एहतियात करनी चाहिए? हमारे जो आप जितने यंग बच्चे देख रहे हैं उनको बताएं। फ़ोन यूज, हाँ नहीं, बिल्कुल भी इसमें कोई इंटरेस्ट ना लें आप। अभी आप जब हम छोटे हों तो प्लीज़ आप अपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस दें, क्योंकि अगर आपने फ़ोन ले लिया तो आपका कोई पढ़ाई पे फोकस हट जाएगा बिल्कुल, और आपका फ़ोन में इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बहुत गलत बात है। आप जो पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटी उम्र में फ़ोन ले देते हैं, उनको भी मैं कहूँगी कि नहीं लेके दें, और ये कोई फ़ोन यूज़ करना कोई यार कितनी तेज़ हो तुम, फोन सारा दिन करती हो और तुम बातें भी अच्छी अच्छी कर रही हो, ये क्या बात हुई यार अरीशा? ये क्या बात है, मुझे समझ नहीं आई, मैं पागल में गिर जाऊंगा कि तुम खुद दो दो फोन तुमने रखे हैं, अभी मैं घंटे से तुम्हें देख रहा, तुम टिक टिक कर रही हो और बच्चों को तुम नसीहतें कर रही हो, ये चक्कर क्या है? ये मम्मा का है। अच्छा, मम्मा का है जी। तो एक तो तुम्हारा है ना? एक तो मेरा है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मेरे अलावा टीवी पे और कौन अच्छा लगता है? टीवी पर कोई शोबिज़ का बंदा, जैसे कोई फिल्म आर्टिस्ट होता है, कोई टीवी आर्टिस्ट होता है, जैसे मायरा हैं, जैसे हुमायूं सईद हैं, जैसे नासर राजा हैं, जो फिरोज जो भी खान। फिरोज खान? ये फिरोज खान अल्लाह नहीं है बंदी, ये कौन है? एक्टर है। एक्टर है? ये कित है, पकौड़े बनाना या क्या है, ये कहड़ा एक्टर है? एक्टर है ना। अच्छा एक्टर, आपको है, पता है। अच्छा अच्छा, फिरोज खान आपको पसंद है, क्यों पसंद है फिरोज खान? बस उनकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी अच्छी है तो क्या मेरी पर्सनैलिटी को क्या वो क्या कहते हैं, कीड़ा लगा हुआ है? नहीं, नहीं। हाँ, आप भी बहुत प्यारे हैं, आपको मैंने कब बोला? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप मुझे, मैं ये मैंने आपको पता है क्वेश्चन क्यों किया है अपने बारे में, कि फ़ोन इस्तेमाल कर करके आपकी आंखों पे असर तो नहीं हुआ? आपकी माशाल्लाह नज़र बिल्कुल ठीक ठाक है, आपने आपने सही पहचाना। अच्छा अच्छा, आप आर्मी में जाएंगी और आप क्लास 7th में हैं और आप जो है वो रेसिस में हिस्सा भी लेती हैं, आप कभी अदाकारी का शौक़ नहीं आया कि आप किसी ड्रामे में काम करें, किसी फिल्म में काम करें, किसी वीडियो में काम करें? नहीं, ऐसा शौक कभी नहीं। तो अगर आपको मैं ऑफ़र करूं कि आप एक ऐसी चीज़ में बना रहा हूं जिसमें आपको मैं ऑफ़र करता हूं, तो आप काम करेंगी? मैं
कर लूंगी अगर पेरेंट्स की इजाजत हो तो। और पेरेंट्स की ऐसी की तैसी, पेरेंट्स से कौन पूछता है? फोन इस्तेमाल करते हुए पेरेंट्स से पूछती हो? पेरेंट्स से नहीं पूछा करते, पेरेंट्स को सिर्फ चक्कर देते होते हैं कि यार मैं ये हूँ मैं हूँ, है ठीक है। अच्छा तो फिर हाँ, ये कोशिश करो कि पेरेंट्स पे नज़र रखो कि वो कोई ऐसा काम ना करें आपसे पूछे बगैर, कोई दाएं बाएं ना जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में ना घुस जाएं, आप अपनी मर्जी करो, ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने आज आपका इंटरव्यू किया, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है आप मेरे से पूछना चाहें तो मैं भी हाज़िर हूँ, कोई भी सवाल। आपकी एज क्या है? अल्लाह की बंदी, तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन नहीं करने। आपने बोला कोई भी सवाल। अच्छा चलो, अगर मेरी, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी एज कोई 24-25 साल है तो तुम यकीन कर लोगे? तो तुम बता दो फिर, अगर तुम अगर नादरा में काम करती रही हो तो तुम बता दो मेरी उम्र कितनी है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो मेरे से सवाल क्यों पूछा, तुम बता दो कितनी। तो आप बताए ना, मैंने आपसे, मैंने तो बता दिया है ये 24-25 साल। तो ये आपने गलत आंसर दिया ना मुझे। तो आपके ख्याल में सही आंसर क्या, आप बता दें। 60 साल। कैमरामैन जरा मुझे एक अच्छी सी ईंट देना, मजबूती सी, ताकि मैं अपने पास रख लूँ, अगर कोई गलत जवाब आए तो मैं किसी का सर फाड़ने में काम आए। जी बताइए। 40-42। चलो मान लेते हैं चलें ठीक है। और आपकी एज क्या है? मेरी एज 13 है। 13 या 30? 13। अच्छा चले, अल्लाह बड़ी बड़ी खुशी हुई, मैं आज अरीशा का मैंने इंटरव्यू किया। अरीशा, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे। तो और ये जो हमारे कैमरामैन हैं काजी सगीर साहब, ये अभी तक पूरी तरह कैमरामैन नहीं बने, लेकिन चूंकि कैमरे के पीछे होते हैं तो हम इनको कैमरामैन मानते हैं, ठीक है। तो आप एक दफ़ा हमारे जितने भी यूथ है ना, जो देखने वाले यंग बच्चे हैं, उनको कोई मैसेज दे दें, लेकिन ऐसा मैसेज ना देंगे खुद आपने जनाब दो दो फ़ोन रखे हैं और उनको कहें फ़ोन इस्तेमाल ना करें, देखें ये अच्छा नहीं होता, फ़ोन ज़्यादा करने से ही होता है। कोई ऐसा मैसेज दें जो आप भी उस पर अमल करती हूँ, मैसेज दें आप उधर देख के, वो देखें वो कैमरे में, नहीं तोड़ना नहीं अल्लाह की बंदी, इधर बैठे बैठे। जी तो मैसेज ये मेरा कि आप मतलब टाइम्स प्रे करें, नमाज पढ़ें, इससे अच्छा मैसेज मेरे पास और कोई भी नहीं है, क्योंकि जो नमाज है ना वो हमें हर बुरे काम से हटा देती है। और नमाज पढ़ें और 5 times ये आदत अपनाएं कि आप छोड़ें नहीं नमाज, अगर नमाज छोड़ें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और नमाज पढ़ने कायम करें, इससे बहुत से आप गलत कामों से बचेंगे और गीबत झूठ सब कुछ बचेंगे, और आप भी नमाज कायम करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस बात को अपने पल्ले से बांधूंगा, और मैं कोशिश करता हूँ मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूँ, लेकिन अब इसके बाद मैं बिल्कुल, क्योंकि आज हमारी इस प्यारी बेटी ने एक बहुत अच्छी बात की है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल कोई नमाज़ मिस ना करूँ। आप भी कोशिश करें कि कोई नमाज़ मिस ना करें, ये अल्लाह ताला का एक आप पे इनाम है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ज़ात ने आपको अपने सामने आने की इजाज़त दे रखी है, अपने सामने झुकने की इजाज़त दे रखी है, जो इस कायनात की बहुत बड़ी हस्ती है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, हमारा चैनल देखते रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस तरह के नमूने देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।